हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। मैं हूं अनुमिया और आप देख रहे हैं स्टडी फिट। दोस्तों, आज का टॉपिक है हैंडबॉल के ग्राउंड का मेजरमेंट्स। तो चलिए जानते हैं हैंडबॉल के ग्राउंड के बारे में। दोस्तों, हैंडबॉल के ग्राउंड का आकार आयताकार होता है। ग्राउंड की लंबाई और चौड़ाई 40x20 मीटर होता है, यानी कि 40 मीटर लंबा और 20 मीटर चौड़ा। इसके अंदरूनी गोल रेखा की गोल पोस्ट से दूरी 6 मीटर होती है और बाहरी रेखा की गोल पोस्ट से दूरी 9 मीटर। यानी कि जो अंदरूनी गोल रेखा है उसके बाहर एक रेखा होती है जिसको बाहरी रेखा कहते हैं, तो उस बाहरी रेखा की गोल पोस्ट से दूरी 9 मीटर होता है। 6 मीटर गोल रेखा से साइड लाइन की दूरी, जो अंदरूनी गोल रेखा 6 मीटर का गोल रेखा है उसके साइड में जो बचता है तो उसकी दूरी, यानी अंदरूनी गोल रेखा से साइड लाइन की दूरी 2.45 मीटर होता है। गोल कीपर रेखा की गोल पोस्ट से दूरी 4 मीटर, जहाँ पे गोल कीपर खड़ा होता है तो वहाँ का स्थान गोलकीपर से कितना दूर होता है, 4 मीटर। पेनाल्टी रेखा की गोल पोस्ट से दूरी 7 मीटर होता है। हैंडबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई 3 मीटर होता है और गोल पोस्ट की ऊंचाई 2 मीटर होता है। हैंडबॉल में बॉल का भार पुरुषों के लिए 425 से 475 ग्राम, महिलाओं के लिए 325 से 400 ग्राम। बॉल का व्यास पुरुषों के लिए 58 से 60 सेंटीमीटर, महिलाओं के लिए 54 से 56 सेंटीमीटर होता है। दोस्तों, बॉल का भार, गोल पोस्ट, ग्राउंड का लंबाई चौड़ाई, इससे क्वेश्चन हमेशा 2 से 4 आते हैं, इसलिए इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। हैंडबॉल में खेल अवधि, इसमें जो खेल की अवधि होती है 60 मिनट की होती है, यानी पुरुषों के लिए 60 मिनट की अवधि होती है, 30-30 मिनट के दो हाफ और बीच में जो मध्यांतर होता है वो 10 मिनट का होता है, और महिलाओं के लिए 50 मिनट का होता है, 25-25 मिनट का दो हाफ और दोनों हाफ के बीच में 10 मिनट का रेस्ट होता है इसमें भी। तो क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है, ऐसे पूछ सकता है कि हैंडबॉल में खेल की अवधि कितनी होती है, तो 60 मिनट पुरुषों के लिए कितना होता है, तो 60 मिनट, महिलाओं के लिए कितना होता है, तो 50 मिनट। और इस प्रकार भी पूछ सकता है कि जैसे पुरुषों हैंडबॉल की खेल की अवधि कितनी होती है, तो उसमें दिया रहेगा इस तरीके से 30-30 मिनट का हाफ, बीच में 10 गैप, ऐसे लिखा रहेगा। तो आपको बस याद रखना है कि 60 मिनट का होता है और बीच में गैप वाला जो होता है कि कितना मिनट का रेस्ट होता है वो याद रखना है। तो वो याद रखेगा तो दोनों टाइप से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो दोनों टाइप से आप आंसर उसका दे लेंगे। तो ये हुआ खेल की अवधि। और खिलाड़ी बदलना, यानी स्थानापन्न खिलाड़ी की संख्या, इसमें कितना होता है, 2 होता है। ध्यान रखिए, स्थानापन्न खिलाड़ी अलग होता है, अतिरिक्त खिलाड़ी अलग होता है। इसमें लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं। स्थानापन्न पूछेगा हैंडबॉल में स्थानापन्न खिलाड़ी की संख्या तो 2, अगर अतिरिक्त खिलाड़ी पूछेगा तो 5 होता है। यानी इसमें खिलाड़ियों की संख्या 12 होती है, 7 खेलते हैं, 5 अतिरिक्त खिलाड़ी होती है, लेकिन यदि स्थानापन्न खिलाड़ी की पूछेगा तो 2 होगा। हैंडबॉल में मैच टाई हो जाए, यानी दोनों पार्टी, दोनों टीमों का
अंक बराबर बराबर हो यानी मैच टाई हो जाए तो उस स्थिति में फिर से गेम कराने के लिए कितना समय दिया जाता है? 10 मिनट का, यानी 5-5 मिनट के दो हाफ में दिए जाते हैं। यहाँ भी दो प्रकार से पूछ सकता है, 10 मिनट वहाँ कुछ आंसर में क्या कहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहता है तो उसमें चार ऑप्शन में से एक दे सकता है 10 मिनट या 5-5 मिनट के हाफ में देगा। तो बस 10 मिनट याद कर लीजिए और 5-5 मिनट का हाफ, तो ये अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो हैंडबॉल में टाई हो जाने पर एक्स्ट्रा टाइम 10 मिनट के यानी 5-5 मिनट का दो हाफ फिर से खेला जाता है, लेकिन उसके बीच में कोई रेस्ट नहीं होता है। अब ये क्वेश्चन भी हो सकता है कि हैंडबॉल में टाई होने पर उसके बीच में कितना मिनट का रेस्ट होता है, तो कोई रेस्ट नहीं होता है, ये आंसर होगा। एक बार टाई हुआ 10 मिनट का, 5-5 मिनट का दो हाफ मिला, लेकिन फिर भी खेल का निर्णय नहीं हो पाया, फिर टाई हो गया तो क्या होगा? उस तो फिर भी टाई हो, दोबारा से टाई हो जाए तो निर्णय क्या होगा? दोबारा से फिर से उसको 5-5 मिनट का गेम दो हाफ में कराया जाएगा। हैंडबॉल में एक टीम एक हाफ में कितनी टाइम आउट ले सकती है? तो एक हाफ में वो केवल एक टाइम आउट 1 मिनट का ले सकती है। हैंडबॉल में खिलाड़ियों की संख्या, हैंडबॉल में खिलाड़ियों की संख्या 12 होती है, जिसमें से 7 खेलते हैं और 5 अतिरिक्त खिलाड़ी होते हैं। तो इसमें 3 क्वेश्चन हो गया कि हैंडबॉल में खिलाड़ियों की कितनी संख्या होती है? तो 12। हैंडबॉल में कितने खिलाड़ी खेलते हैं या खेलने वाले खिलाड़ियों की संख्या कितनी है? तो 7। और कितने अतिरिक्त खिलाड़ी होते हैं? 5। निर्णायक 4 होते हैं हैंडबॉल में, 2 रेफरी होता है, 1 स्कोरर होता है, 1 टाइम कीपर होता है। इसमें 2 कार्ड का प्रयोग किया जाता है, एक पीला और लाल का। पीला कार्ड का प्रयोग चेतावनी हेतु होता है और लाल का खेल से बाहर। पीला कार्ड का चेतावनी हेतु होता है यानी अगर दोबारा गलती करता है चेतावनी के बावजूद भी तो मैदान से 2 मिनट के लिए बाहर किया जा सकता है, और 2 मिनट तक जो टीम होगी 6 खिलाड़ी से ही खेलेगी। लाल कार्ड खेल से बाहर कर दिया जाता है, लाल कार्ड में उसकी जगह उस मैच में दूसरा खिलाड़ी नहीं आ सकता यदि खेल से बाहर हो गया। तो खिलाड़ी के बाहर आने के पश्चात टीम 6 खिलाड़ी से ही खेलेगी। तो दोस्तों ये था आज का हैंडबॉल के ग्राउंड का मेजरमेंट्स। तो दोस्तों सभी खेलों के मेजरमेंट्स के बारे में आगे वीडियो लाऊंगी और फिजिकल एजुकेशन के हर एक टॉपिक पर जो आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं मैं उसी टॉपिक पर लाऊंगी। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही वीडियो आगे पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना न भूलिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।